आईपीएल 2024 में फिर से कप्तान बन सकते हैं रोहित शर्मा, मिले दो इशारे। क्या हार्दिक पांड्या पर नहीं संभल रही है मुंबई इंडियंस की कप्तानी? सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जब मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की बेहद पिटाई हो रही थी, तब रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या की मदद करते हुए दबाव का बोझ अपने कंधों पर लिया और कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। भैया वक्त का पहिया पलटते देर नहीं लगती। चंद दिन पहले हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को बाउंड्री पास भेजते हुए दिखाई देते। अब अगले मैच में जब टीम घनघोर मुसीबत में थी तो अनुभवी रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और अपने हिसाब से फील्डिंग जमाते हुए हार्दिक पांड्या को डीप फील्डिंग करने का। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद ने अगले मुकाबले में इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर मुंबई इंडियंस के खिलाफ बना डाला और मुंबई इंडियंस की बॉलिंग को तहस महस कर डाला। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम पर हुए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने अपने तीन बल्लेबाजों की तूफानी पारी की बदौलत 3 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर बड़ा कर दिया। जवाब में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने भी खास संघर्ष करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 246 रन बना दिए। इसके अलावा हैदराबाद से मिले इस टारगेट की विशाल चुनौती को जवाब देने की पूरी कोशिश की मुंबई इंडियंस की टीम ने, लेकिन मुंबई इंडियंस यह मुकाबला 31 रन से हार गई। और इसी के साथ इस टूर्नामेंट में लगातार 2 मैच हारकर मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट्स टेबल पर 9वें नंबर पर है। इस शर्मनाक हार के बाद टीम के मालिक दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति में शुमार मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी रोहित शर्मा से बातचीत करते नजर आए। रोहित शर्मा वही शख्स है जिनकी कप्तानी मुंबई इंडियंस ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार नहीं 5 बार फाइनल का खिताब जीता है। इस सीजन से ठीक पहले रोहित शर्मा को अचानक कप्तानी से हटाते हुए दूसरी टीम से लाए हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंप दी थी, जिससे बाद दुनिया भर में फैंस मुंबई इंडियंस के फैंस में काफी निराशा देखने को मिली और रोहित शर्मा के फैंस ने हार्दिक पांड्या को काफी ट्रोल किया। और आपने देखा होगा कि अहमदाबाद मुकाबले में हार्दिक पांड्या को किस तरह इस ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के हुए 2 मुकाबलों में आकाश अंबानी रोहित शर्मा से दोनों मुकाबले में बातचीत करते नजर आए, तो ऐसे में फैंस को ये लगता है रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी मिल सकती है। क्या हार्दिक पांड्या से मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी खुश नहीं है? नीता अंबानी भी रोहित शर्मा से बात करती हुई नजर आई हैं। बाकी आप सभी के लिए इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।